अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मामा भांजे में लाठी डंडों से पीट पीट कर हुई औरंगजेब हत्याकांड मामले में सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के घर पहुंचा। थाना ऊपर कोट कोतवाली इलाके के घास की मंडी रंगजान मोहल्ले में परिजनों से सपा का प्रतिनिधि मंडल मिला। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोतवाली क्षेत्र की घास की मंडी में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। सांसद ने कहा, इस लड़ाई को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लड़ने के लिए तैयार है। सांसद ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला है और इस लड़ाई को पार्टी हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है। परिजनों को औरंगजेब हत्याकांड मामले में न्याय दिलाने और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का पूरा आश्वासन दिया है। मृतक औरंगजेब की बहन जाकिया ने कहा कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे जाएंगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। मृतक की बहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाएं जिससे आरोपियों को सजा मिल सके। मृतक औरंगजेब की बहन ने कहा, मां की देखरेख करने का कोई नहीं है, इकलौता भाई था जिसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया।